हेलो गाइस, वेलकम टू माय कुफेडेक चैनल। तो दोस्तों, यहां पर आज हम लोग देखेंगे स्नैपचैट का अकाउंट अपना पुराना वापस किस तरह से लाते। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सिंपल दोस्तों, यहां पर देखिए, ये मैंने स्नैपचैट के अकाउंट के अंदर मेरा नया अकाउंट यहाँ पर चल रहा है, तो इसे मुझे पहले इसे लॉग आउट करना होगा क्योंकि मुझे पुराना अकाउंट यहाँ पर वापस लाना है। तो दोस्तों, जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, शायद ही किसी ने यूट्यूब पर यह ट्रिक बताया होगा किस तरह से स्नैपचैट का पुराना अकाउंट वापस लाते। दोस्तों, क्या करना है, सिंपल यहाँ पर देखिए, आपका जो लोगो दिखाई दे रहा है, जो इमोजी दिखाई दे रहा है कॉर्नर पे, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये मैं बता रहा हूं लॉग आउट करने के लिए, ठीक है। दोस्तों, यहां पर आने के बाद देखिए, इस तरह से पेज आएगा। कॉर्नर में आप लोग देख रहे हैं सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको लास्ट में जाना है। चलिए लास्ट में चलते हैं, और यहां से आप लोग को लास्ट में लॉग आउट का एक ऑप्शन यहां पर दिखाई देता है। सिंपल आपको लॉग आउट करके ले लेना है। चलिए मैं इसे लॉग आउट करके ले लिया हूं। और सिंपल दोस्तों, हमें अभी क्या करना है, देखिए यहां से अभी हमें स्विच अकाउंट के ऊपर क्लिक करके लेना है। देखिए, यहां पर मुझे अभी ना ही यूजर नेम मालूम है, ना ही पासवर्ड मालूम है, कुछ नहीं पता है दोस्तों। सिंपल, क्योंकि पता है यार, जो ओल्ड अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो उसका यूजर नेम हम लोग से कहां याद रखेंगे, और पासवर्ड भी उसका हमें याद नहीं रहता है। तो दोस्तों, एक ट्रिक है, यहां पर ये दोनों चीज मिल जाएंगी, आपको यूजर नेम भी मिल जाएंगे और पासवर्ड भी मिल जाएगा। तो क्या करना है, सिंपल मैं जैसे बता रहा हूं उस तरीके से आपको ये करना है। तो चलिए, बैक आ जाना है, पूरा हटा देना है यहां से मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, और आपको अपने डायरेक्ट यहां पर क्रोम ब्राउजर ओपन करके ले लेना है। आप लोग चाहे तो प्ले स्टोर से भी कर सकते हो, ये जो मैं बता रहा हूं। तो चलिए, मैं आपको प्ले स्टोर से ही बता देता हूं। सिंपल यहाँ से आपको क्या करना है, क्योंकि आसान होगा प्ले स्टोर से सभी के लिए, प्ले स्टोर से हम लोग ओपन करेंगे, प्ले स्टोर ओपन करेंगे। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, बैक चलता हूँ। देखिए, इस तरह से कुछ इंटरफेस प्ले स्टोर का होता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लोगो दिखाई दे रहा है अपने ईमेल आईडी का, उसके ऊपर क्लिक करके ले लेना है। चलिए, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं नीचे एक ऑप्शन है मैनेज यूअर गूगल अकाउंट, मतलब जो भी आपका ओल्ड ईमेल आईडी होता है ना दोस्तों, उसी को ही हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है प्ले स्टोर के अंदर, मतलब वो यूज होना चाहिए, है ना दोस्तों। आपको पता है क्योंकि ये मेरा ओल्ड है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा ओल्ड वाला ईमेल आईडी है, तो मुझे पता है ज़्यादातर मैं इस ईमेल आईडी से ही मोबाइल मेरा ऑन होता है, ऑफ होता है, जो भी प्ले स्टोर के मैं डाउनलोड करता हूँ इस ईमेल से ही होता है। तो वो ईमेल आपको यहाँ पर इंटर करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, आपको अगर ईमेल चेंज करना है तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर राइट का मतलब जो एरो है, एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पर मेरे दो ईमेल आईडी नीचे हुए। तो सिंपल हमें उसके ऊपर सिलेक्ट करना है, और इसी तरीके से ऑप्शन आ जाएगा मैनेज यूअर गूगल अकाउंट का। तो सिंपल क्या करना है दोस्तों, हम लोग अभी देखिए, यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। सिंपल यहाँ से मैं लोगों के ऊपर क्लिक करूंगा, लोगों के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर आएगा मैनेज यूअर गूगल अकाउंट। तो सिंपल आपको क्या करना है, मैनेज यूअर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर दोनों चीज मिलने वाले, आपको यूजर नेम भी और पासवर्ड भी मिलने वाला है। ओके दोस्तों, सिंपल दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक इंटरफेस यहाँ पर कुछ इस तरह से आया है, और आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है साइड के तरफ, और देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है सेटिंग सिक्योरिटी का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है। तो क्या करना है आपको, सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ले लेना है। चलिए क्लिक कर दे, कुछ दोस्तों इस तरह से ही इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, और देखिए लास्ट में एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है पासवर्ड मैनेजर का। तो हमें क्या करना है, पासवर्ड मैनेजर के ऊपर क्लिक करके ले लेना है। चलिए इसके ऊपर क्लिक करते, और आप लोग देख रहे हैं लास्ट में एक स्नैपचैट का एक यहाँ पर एप्लीकेशन बता रहा है। तो आपको क्या करना है, स्नैपचैट का जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर क्लिक करके लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका मोबाइल, मतलब मेरा मोबाइल यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन बताएंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग नहीं होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मोबाइल का लॉक हमें इंटर करना होता है। तो चलिए क्या करना है, स्नैपचैट के ऊपर क्लिक करना है, और मैं अभी यहाँ पर थम दे देता हूँ मेरा मोबाइल, एक मोबाइल का जो भी कोड है। देखिए आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है स्नैपचैट का यूजर नेम पासवर्ड। अभी आपको चेक करना है, देखिए मेरे यहाँ पर कितने अकाउंट है, दो अकाउंट है मेरे स्नैपचैट के, एक नया वाला अंदर है और यहाँ पर एक पुराना वाला अकाउंट अंदर है। अभी दोस्तों पुराना अकाउंट हमें ओपन करना है, यूजर नेम हमें पता चल गया है, देखिए ये मेरा पुराना वाला अकाउंट है, यूजर नेम पता चल गया है। अभी क्या करना है, सिंपल इसे कॉपी करके ले लेना है। चलिए देखिए, कॉपी का यहाँ पर लोगो है, तो कॉपी करके ले लेते हैं, और चलते हैं हम लोग स्नैपचैट के अंदर हमारे। चलिए यहाँ से मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ओके दोस्तों, अभी हमें अभी चाहिए हमें पासवर्ड इसका। तो क्या करना है, फिर से एक बार हम लोग जाएंगे यहीं पर, और देखिए यहाँ पर अगर मैं आग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पासवर्ड शो हो जाएगा, लेकिन अभी मैं सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आग के ऊपर क्लिक नहीं करने वाला हूँ, तो कॉपी करके लेने वाला हूँ इसको। तो सिंपल क्या करना है, देखिए आग के बाजू में कॉपी का एक ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारा हो चुका है कॉपी। अभी हम लोग चलते हैं स्नैपचैट के अंदर, और यहाँ से हम लोग पेस्ट करेंगे। चलिए यहाँ से मैं, अरे सॉरी 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 दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऊपर कर लिया। चलिए यहाँ पर मुझे पासवर्ड के ऊपर सिलेक्ट करना था, और यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पेस्ट हो चुका है।
पेस्ट होने के बाद सिंपल हमें लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अभी चेक करते हैं हमारा ये ओल्ड स्नैपचैट का अकाउंट, यूज़र नेम भी मिल चुका है, पासवर्ड भी मिल चुका है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप लोग देखेंगे दोस्तों फाइनली हमारा यहाँ पर स्नैपचैट अकाउंट ओपन हो चुका है। सिंपल मैं पहले यहाँ पर सेव करके ले लेता हूँ, चलिए, क्योंकि ये गूगल क्रोम के अंदर सेव होता है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कैमरे पे हाथ रखा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे फेस नहीं दिखाना है मुझे, और सिंपल यहाँ पर मैं मैसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और आप लोग देख रहे हैं ये मेरा पुराना अकाउंट यहाँ पर आ चुका है। मैं प्रोफाइल पे क्लिक करके बता देता हूँ, देखिए ये अलग है मेरा यहाँ पर टेक्निकल लवर्स वाला, तो मेरा ओल्ड वाला है ये स्नैपचैट अकाउंट। तो आप लोग देख लिए दोस्तों किस तरह से यहाँ पर ओल्ड वाला हमारा स्नैपचैट का अकाउंट फिर से हम लोग रिकवर कर सकते हैं, फिर से वापस ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो गाइस कोशिश करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन हो जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।